हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफॉरगेटेबल बाइक में। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी यामा आर 100 बाइक का साइलेंसर है वो पूरी तरह से खोल लिया है और आज हम आपको एक यामा आर 100 का ओरिजिनल साइलेंसर बताने वाले हैं। तो ओरिजिनल साइलेंसर की बात कुछ अलग होती है। आजकल मार्केट में बहुत से साइलेंसर मिलते हैं लेकिन वो ओरिजिनल जैसा उसमें फायरिंग या साउंड स्ट्रोक नहीं आता है। तो हमारा जो साइलेंसर है वो लगभग 30 साल पुराना है लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि उसमें एक डेंट लगा हुआ है जो डेंट बहुत ही बुरा दिख रहा है। तो हमने फाइनली जाके एक इंस्टाग्राम पे राहत मोटो डिसीजंस करके हमारे भाई है तो उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये डेंट हम निकाल सकते हैं तो आज हम ये साइलेंसर उनके पास भेजने वाले हैं। तो साइलेंसर खोल लिया है और साइलेंसर खोलने के बाद इसकी एक एक जानकारी हम आपको आज देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा RX100 बाइक का ओरिजिनल साइलेंसर। तो ओरिजिनल की पहचान ये है कि इसमें अंदर साइड में रिपीटिंग होती है। ये देखिए, ये साइलेंसर बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें बस ये डेंट की प्रॉब्लम है। और ये देखिए, इसमें ये अंदर साइड में ये रिपीटिंग होती है। ये रिपीटिंग अभी के साइलेंसर्स में नहीं आती। ये देखिए, ये भी मशीन की डॉट डॉट लगकर है तो इस तरह की ये रिपीटिंग अंदर से आती है। तो ये जो साइलेंसर है ये लगभग 30 साल पुराना है। बाइक के साथ ही आया था, हमारी बाइक का लगभग 30 साल का ही उम्र है तो उसी के साथ लग के आया था ये। और ये देखिए, इसमें ये डेंट होने की वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा था तो अभी हम राहत भाई के पास इसको भेजने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इसके अंदर में देखिए 6 होल ये देखिए, इसमें 6 होल्स है तो इसकी वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है और साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी देता है ये साइलेंसर। हमने अमेजोन से एक जिप्सन कंपनी का मंगाया है लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो आशा करते हैं राज भाई के पास ये भेजने के बाद वो भी हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे और अगर उन्होंने भी इसको रिस्टोर होते हुए का वीडियो हमें भेज दिया तो हम आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा इंतज़ार करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, ये जब रिस्टोर होके आएगा तो इसकी आगे की जो प्रोसेस है वो पूरी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो देखते हैं, इसको हम बाय पोस्ट भेजने वाले हैं। ये जो रहते हैं भाई, ये अपना पीछे से चादर कटती है और दोबारा पूरे जो भी डेंट है उठा करके दोबारा से इसमें पूरा ये कवर कर दिया जाता है। और अभी इसको ग्राइंडर से कट करके एकदम चिकना हो जाएगा और जब इसमें क्रोम करवाएंगे तो पूरा फिनिशिंग का आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तकरीबन पूरा ही उठ चुका है, ये देख लो। अब इसका हम लोग क्रोम में दे रहे हैं। जो ये वाला साइलेंसर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक कस्टमर ने पहुँचाया है नागपुर से पूरा निकल कराने के लिए और इसको डेंट कराने के लिए। पहले ही काफ़ी यहाँ से दबा हुआ था तो ये डेंट का काम भी हुआ है और पूरा नया निकल करके ये दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए। और एक हमारे कस्टमर है, उनको ओरिजिनल साइलेंसर चाहिए था तो ये उसकी चमक खुलवाने आया हूँ। ये ओरिजिनल साइलेंसर है RX100 का जो कि मैं उनको दे रहा हूँ। बाकी आप ये साइलेंसर देख सकते हैं, काफ़ी साइलेंसर रखे हुए। फिर भाई हैं जो कि क्रोम का वर्क करते हैं, ये पूरा अंदर काम हो रहा है आप देख रहे हैं। और ये प्लेटिंग जिसको क्रोम बोलते हैं, ये उसके पूरा स्विमिंग पूल बोल सकते हैं इसको, इसी में डुबकी लगा के उसकी चमक और जो लाई जाती है केमिकल डाल के यहाँ पे पूरा वर्क होता है। और जब पूरा कंप्लीट हो जाता है इस टाइप से तो उसकी फिनिशिंग के लिए हमारे ये हीरो हैं आबिद भाई, दिन में गोरे होते हैं रात में काले हो जाते हैं पूरा चमक खोलते खोलते। तो ये वाला काम यहीं पर होता है। तो मॉडल ग्राउंड एरिया में सबसे अच्छा काम इन्हीं का है, मेरा काम भी इन्हीं के पास होता है। तो एक बार आप और देख लीजिए, हमारे पास ये वाला जो है साइलेंसर, ये नागपुर से आया था पूरा कंप्लीट होने। तो यहाँ पे फ्रंट में इसके काफ़ी डेंट था, यहाँ पे भी डेंट था, बहुत सी जगह पे यहाँ पे डेंट था। तो इसका वीडियो जो भी हैं जिनका ये था वो साथ में डालेंगे। इसका जो कटिंग है ये अंदर से हुआ है, ये कट लगा हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक सेकेंड ये वाला है, ये पूरा कट लग के यहाँ से चादर खुलती है, उसके बाद पूरा डेंट होता है। ये वाला भी एक पोर्शन है और यहाँ से दो जगह से, क्योंकि सामने फ्रंट में काफ़ी डेंट आया था। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ग्राइंडर से पूरा बराबर करके पूरा ये निकल किया हुआ है। कंडीशन आपके सामने इस टाइप से ये। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा साइलेंसर जो है वो इंडियन पोस्ट से रिटर्न आ गया है। और अभी ये देखिए, ये इंडियन पोस्ट से राज भाई ने हमें रिटर्न भेजा है। इसका पूरा रिपेयरिंग निकल वर्क वगैरह करके पूरा ओके करके इसको हमें वापस लौटाया है। तो अभी
इसकी क्रोम क्वालिटी और इसकी डेंट होने के बाद की कंडीशन आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। पैकिंग बहुत ही बढ़िया की है जिससे कुछ और नया डेंट वगैरह ना लगे, ट्रांसपोर्टिंग के दरमियान सेफली पहुंचा है ये साइलेंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसमें और एक लैमिनेशन की परत लगाई हुई है। हमारा साइलेंसर जो था वो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंट था उसे। तो इस तरह से इसका जब डेंट निकाला गया तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये जो दो स्क्वायर है ये स्क्वायर एरिया से इसको कट किया गया था। जैसे कि राज भाई ने जो वीडियो भेजा उसमें दिखाया है उन्होंने, ये दो हिस्सों में कट लगा के इसको फिर से वेल्ड करके इसको फिनिश करके इसको फिर से क्रोम किया गया है। तो ये बाजू जो है ये अंदर साइड में रहेगी, इसकी वजह से कोई शो या दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बाजू अंदर से रहने वाली है और हमारा साइलेंसर जो है इस साइड से बाहर की साइड से पूरा क्लियर है और वो इस साइड से बाहर रहेगा। तो इस तरह से ये साइलेंसर का काम हमने आपको बताया है। अगर आपके साइलेंसर में भी डेंट या कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई पार्ट निकल करना है तो वो आप राज भाई के पास भेज सकते हैं और इस तरह से अपना काम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतनी साइलेंसर की जानकारी थी। ये जेन्युइन ओरिजिनल साइलेंसर है, 30 साल पुराना और ये फायरिंग और साउंड भी बहुत बढ़िया देने वाला है। तो इसको हम बाइक में फिट करने के बाद इसकी फायरिंग का नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।